बीजेपी का आरएसएस का जो कौम और मिल्लत के लिए, जो मुसलमान जो देश के लिए अपनी जो है जान और माल का जो है जो यहाँ पर जो लुटाए हैं, जान और माल को आपने कुर्बान कर दिया है, हमारी अपनी तारीख को मिटाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जो लड़ा था अंग्रेजों से सिपाही की तरह, ऐसा कोई बादशाह ना हुआ, रूह तो तन से जुदा हुई पर हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। टीपू सुल्तान तहां पे कैसे शेर थे, सारी दुनिया उनको बेहतर जानती है। टीपू सुल्तान जो हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आज़ादी थे, उन्होंने जंग आज़ादी जो फर्स्ट मुजाहिद जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। टीपू सुल्तान और झांसी रानी और जीसस और प्रवादी मोहम्मद और रानी अब्बक इतिहास तेजुक। एम आई एम ऑफिस में हम सभी जमा होने का मकसद ये है कि आज हज़रत टीपू सुल्तान का आज जन्मदिन है, हम उनकी जन्मदिन पर हम उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए हम सभी यहाँ पर जमाए हुए हैं। यहाँ पर जमा होने का मकसद ये, जन्मदिन मनाने का मकसद ये है कि बहुत दिनों से, कुछ सालों से जो है आपके जन्मदिन पर कई एक एतराज़ात, कई एक रुकावटें लाने की कोशिश जो फिरका प्रस्त जो जमाते हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो दुनिया में जो इंसान इस देश के लिए, मुल्क के लिए या इंसानियत के लिए जो काम करता है वो कभी मरता नहीं है। इसलिए उन पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो इंसान यानी इंसान को जो है जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना कमाल की बात है। तो ये जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिसको आप रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, आप जो है एक सिपाही भी थे, एक बादशाह भी थे और एक जो है और देश के जो है वो बहुत बड़े सिपाही सालार भी थे और जो है आप दीनदार भी थे। आपको जो है रहमतुल्लाह अलैह कहा गया, जो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के जो दीन का काम करते हैं, दुनियाई भी जो काम करते हैं, और उन्हें जो है कभी भी जो है उनकी जो है यादों को भुलाया नहीं जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात, इस मौके पर कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनके ताल्लुक से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो है यानी एक बात उनके ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ कि जो है तय मदफन जो सोते हैं अजब सोते हैं ये सोते, तय मदफन जो सोते हैं अजब सोते हैं ये सोते, इन्हीं सोतों को हम फैज का जरिया समझते हैं। तो बहरहाल ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, कभी वो मरते नहीं हैं। तो आज हमें ऐसे इनकी याद मनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सारे हिंदुस्तानियों के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो आपको याद नहीं करती, कुछ लोग हैं जो फिरका परस्त जो नहीं चाहते हैं अपने वोट बैंक के लिए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। उसके साथ साथ आज जो हिस्ट्री को यानी जो तारीख को जो है टीपू सुल्तान की तारीख हो, जो जो है किताबों से जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो है वो निकाला जा रहा है, हमारे जो भी ऐसे तारीख साज जो लोग होते हैं इस देश के लिए, मुल्क के लिए जो तारीख साज लोगों ने जो काम किया है, खास तौर पर मुसलमानों के हद तक जो यानी नेशनल जो आपके पॉलिसीज जो होती है एजुकेशन पॉलिसीज, उससे हटाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इसके आप टीपू सुल्तान की तारीख हमने बचपन में हमने अपनी किताबों के अंदर हमने पढ़ा था, आपकी तारीख को सबक हुआ करता था उसके ताल्लुक से। अब्दुल हमीद जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के अंदर कई टैंकर जो है हिंदू पाकिस्तान के उन्होंने तबाह कर दिया था, हमने बचपन में उनकी तारीख हमने जो किताबों के अंदर हमने पढ़ा है। लेकिन आज देखते हैं तो टीपू सुल्तान की भी तारीख को निकाल दिया जा रहा है और जो अब्दुल हमीद साहब की तारीख को भी पहले निकाल दिया गया और ऐसे कई एक जो है एजुकेशन पॉलिसीज जो है, यानी इसका मकसद ये है, ये यानी बीजेपी का आरएसएस का जो कौम और मिल्लत के लिए, जो मुसलमान जो है देश के लिए अपनी जो है जान और माल का जो है जो यहाँ पर जो लुटाए हैं, जान और माल को आपने कुर्बान कर दिया है, हमारी अपनी तारीख को मिटाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह जिसको चाहता है और जिस देश के लिए जो काम किए हैं वो कभी यहाँ से उनकी तारीख मिटा नहीं सकते। आप जो है तख्तियों पर से, बोर्डों पर से आप नाम मिटा सकते हैं, दिलों से आप हिंदुस्तानियों के तमाम दिलों से जो हिंदुस्तान के लिए जो अपनी जान निछावर कर दिया है ये टीपू सुल्तान, तो क्या इससे हटकर भी जो इस देश के लिए अपनी जान निछावर कर दिया है, दिलों से उनके जो है आप हटा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर जनाब इकबाल अहमद सिन्नी फरोज साहब की निगरानी में तमाम MIM की टीम की जानिब से शेर ए हिंदुस्तान टीपू सुल्तान साहब की आज जयंती मनाई गई, याददाश्त पेश की गई। आज जो ये फिरका परस्त ताकतें टीपू सुल्तान की जो कारनामे हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, उसको जो मिटाने के पीछे ये लोग पड़े हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी टीपू सुल्तान को जाने हकीकी तौर पे, क्योंकि जो लड़ा था अंग्रेजों से सिपाही की तरह ऐसा कोई बादशाह ना हुआ। रूह तो तन से जुदा हुई पर हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। इन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए जितनी जंगें लड़ी, सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ने वाले हजरत टीपू सुल्तान थे, फर्स्ट मिसाइल मैन, मिसाइल जिसने ईजाद की, पहली जिसने मिसाइल बनाई वो हजरत टीपू सुल्तान थे। तो इनके बहुत सारे कारनामे हैं। मैं हमारे तमाम नौजवान पीढ़ी से भी गुजारिश भी करता हूं कि आप अगर वक्त मिले तो इनके ताल्लुक से जितना हो सके उतना पढ़िए, इनको जानिए। जजाक अल्लाह। AIMIM पार्टी ऑफिस के में टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई। आली जनाब एक्स मेयर इकबाल अहमद सिन्नी फरोज साहब, W खान साहब, मेरे पार्टी के तमाम डिफिडेट कॉर्पोरेटर्स के तमाम के मौजूदगी में आज MIM पार्टी के अंदर टीपू जयंती मनाई गई। मैं इंशाअल्लाह ताला अवाम से ये गुजारिश करता हूं कि जो गवर्नमेंट बंद का ऐलान किया जयंती मनाने के लिए, टीपू सुल्तान साहब एक ऐसे शेर थे, सारी दुनिया उनको बेहतर जानती है। अलहाज इकबाल अहमद सिन्नी फरोज साहब, साबिक मेयर और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर निगरानी में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर बड़े जोश व खरोश के साथ शेर हिंदुस्तान हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की युम पैदाइश मनाई गई। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये यहाँ आज के दिन ये ऐलान करना चाहती है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में ये फासिस्ट ताकतें, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत जिस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ के जो किताबें हैं, जो हिस्ट्री के किताबें हैं, टीपू सुल्तान जो हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आज़ादी थे, उन्होंने जंग आज़ादी जो फर्स्ट मुजाहिद जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था और पूरी बहादुरी के साथ, पूरे दिलेरी के साथ जंग लड़ा, और उनका जो कारनामा दौरे हुकूमत के जो कारनामे हैं ये हमारे लिए सबक है। और उनकी पूरी ज़िंदगी अगर हम ये को अगर हम भूलेंगे, अगर हिंदुस्तान के जो हिस्ट्री है उससे निकाला जाएगा, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासतौर पर इलिया सेठ बागवान साहब इसके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। इंशाल्लाह पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ एहतजाज करेगी और दोबारा तमाम हिस्ट्री में दोबारा हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हिस्ट्री को, उनके तारीख को फिर से, उनके सबक को वापस उन बुकों में, उन किताबों में वापस लाया जाए, इसके खिलाफ हम जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह। मैं तमाम लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आज यूम पैदाइश हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मुबारकबाद पेश करते हैं। अपनी बात खत्म। MIM की पार्टी ऑफिस में सभी हमारे डिफिटेड MIM के कॉर्पोरेटर्स के साथ हम आज टीपू जयंती मनाए हैं। मैं सभी आलम इस्लाम को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। टीपू सुल्तान जयंती हार्दिक शुभाशयगळु। इवत्तु नावु AIMIM पक्षद जिल्ला कचेरियल्लि इवत्तु नम्म अध्यक्षरद इकबाल अहमद सिरणि फिरोज अवर अध्यक्षतेयल्लि ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸೇಠ್ ಬಾಗ್ಬಾನ್ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು, 100 ವರ್ಷ ಬಾಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬಾಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು.
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಜಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಅವರು ಜಿಸೇಸ್ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋದಸಲ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಏನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.